हेलो दोस्तों, आप सभी को नए वीडियो में फिर से स्वागत है। ये रहा इंस्टा 360 गो 2 मिनी एक्शन कैमरा। दोस्तों ये इसका एक्सेसरीज वगैरह आपको दिखाऊंगा, लेकिन सेल्फी स्टिक उसके साथ में नहीं मिलेगा। मेरे पास में जो था वो उसको मैंने माउंट करके दिखाया है। ये आप देख सकते हैं इसका बॉक्स है दोस्तों। इसको मैंने कब परचेस किया है इसके बारे में अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों 17 जनवरी 2023 को मैंने ये इंस्टा 360 गो 2 मिनी एक्शन कैमरा परचेस किया है दोस्तों, लेकिन आज तक इसका फुटेज वगैरह नहीं दिखा पाया है, ना कोई इसके बारे में रिव्यू अनबॉक्सिंग कुछ भी नहीं दिया है। इंस्टा 360 गो 2 कैमरा है, चार्जिंग चार्ज केस है, चार्जिंग केबल है, मैग्नेट पेंडेंट है, इजी क्लिप, पीबोर्ड स्टैंड, क्विक गाइड बुक है। मैंने खोल दिया है इसके अंदर में कैमरा, मैंने पहले ही निकाल के रखा है दोस्तों। ये चैम्बर जो है, ये कैमरा और ये मैग्नेटिक पेडेंट है और एक केप में लगाने के लिए है दोस्तों। मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा, बाकी कुछ स्टैंड मैंने अलग से रखा है, ये इसके साथ में नहीं आया है दोस्तों। चलो इसके अंदर में कितना अच्छा से उन्होंने फोल्ड करके दिया है, मैंने सब उसको खोल के वो पहले ही देख लिया दोस्तों। अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया है। इसके अंदर में गाइड बुक है, बहुत अच्छी तरीके से पैकेजिंग किया है दोस्तों। कोई बात नहीं, इतना लंबा मैं खोल के आप लोगों को पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना स्टैंडर्ड कवर बनाया है, तो इतने में ही तो 500-600 हज़ार रुपया का लग गया होगा दोस्तों। ये देखिए, ये बुक को प्रिंट करने में ही 500-600 हज़ार रुपया तो लगेगा दोस्तों। बहुत कुछ इसके साथ में एक्सेसरीज दिया है। तो इसके साथ आया है USB टू टाइप सी केबल, तो इसमें लगता है टाइप सी चार्जिंग, तो मैं बाद में दिखाऊँगा। ये डाटा केबल को भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये है मैग्नेटिक पेडेंट, ये टी शर्ट के अंदर में लगाएगा दोस्तों। टी शर्ट के अंदर में गर्दन में ये लगाएगा, तो ये हमेशा बॉडी की तरफ रहेगा। ये वाला जो टैक्स लिखा है ये बॉडी के तरफ, और ये फ्रंट के तरफ में रहेगा। जो टैक्स नहीं लिखता है प्लेन वाला साइड, ये आप देख सकते हैं प्लेन वाला फ्रंट के तरफ में रहेगा। ये जो टैक्स लिखता है ये बॉडी के तरफ रहेगा, ये अंदर के तरफ, ठीक है। तो मैं इसको पहन के तो नहीं दिखाऊँगा, बाद में मैं आपको दिखाऊँगा इसका यूज़, ठीक है। इधर मैं रख देता हूँ। ये केफ में लगाएगा दोस्तों, ये केफ में लगाएगा। ये केफ में लगाने का ये देख सकते हैं दोस्तों, हाथ पकड़ नहीं पाता है। ये जो है ना, ये यहाँ पर एक लाइन बना हुआ है, ये केफ में फंसाएगा। तो आप स्कूटी साइकिलिंग करते समय या तो कोई भी गेम खेलते समय, फुटबॉल या बैडमिंटन, ये इसमें ये लगा के खुद का वीडियो बना के रील्स वीडियो बनाने में ये बहुत काम देता है। या ट्रैकिंग में माउंटेन पहाड़ आप पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो या कहीं रनिंग पे स्पोर्ट पे, तो ये सबसे बेस्ट है, ये कैप में लगाओ, ये ठीक है। हेड पे लगाने के लिए भी अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा, वो एक्सेसरीज लेना पड़ेगा। तो इसमें भी मैग्नेट है दोस्तों, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये ट्राइपॉड अलग से लिया है, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा वीडियो में डाल दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है। लगभग मैंने इसको ख़रीदा हुआ लगभग हो गया होगा 3-4 साल दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं इसलिए वीडियो में दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये प्रेस करके ना ये रोटेटेबल है, ये मैं बाद में दिखाऊँगा। तो इसके साथ में ये आया है, ये कुछ पीबोर्ड स्टैंड ऐसा कुछ नाम है इसका, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा इसको भी। तो ये देखिए, ये भी स्टैंड काफ़ी अच्छा वाला है। ये स्टिक इसको मैं रोटेट करूंगा अभी, ठीक है। ये देखिए लंबा लंबा हो रहा है दोस्तों, और भी लंबा होगा। ये देखिए बहुत लंबा है सेल्फी स्टिक, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये लॉकिंग भी कर सकते हैं लॉक, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको हल्का सा रोटेट करना है बस, हो गया। और इसको मैं खोल देता हूँ अभी कैमरा। ये देखिए, ये इसको सेल्फी स्टिक को बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। ये यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है, जैसे ही ये क्लोज करेगा तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब ऑन करके भी रखोगे तो क्लोज होते ही बंद हो जाएगा, ये खोलते ही ऑन। फिर आपको यहाँ पर एक बार प्रेस करना पड़ेगा, दो बटन है यहाँ, ये इसको प्रेस करोगे। देखिए अब हो गया, प्रो मोड पे है। तो ये ऐसा एक बार प्रेस करोगे, देखिए कहाँ पे चला गया ये प्रो मोड। ये देखिए प्रो, ये देखिए टाइम, ये टाइम लैप्स। इस तरह से आप धीरे धीरे HDR वीडियो बनाने के लिए, स्लो मोशन के लिए, सेटिंग्स, वीडियो नॉर्मल, ये फ़ोटो, ये प्रो मोड। मैं हमेशा प्रो मोड पे शूट करता हूँ, 16:9 रेशियो। आप चाहे तो 9:6 रेशियो पे कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम साइज में भी आप एडिटिंग के द्वारा ये के अंदर जाके फाइनल आप आउटपुट ले सकते हैं वीडियो का। तो ये मैंने 1440p पे मैंने ये सेट करके रखा है।
ये और ये 30 फ्रेम पर सेकेंड पे मैंने करके रखा है। तो आप फ्रेम रेट को भी 50 तक शायद चेंज कर सकते हैं सेटिंग के अंदर जाके। मैं सेटिंग अभी आपको दिखाता हूँ छोटा सा। ये देखिए चलो मसन सेटिंग, ये सेटिंग में जाइए, मैंने कर दिया। ये देखिए सेटिंग्स हो गया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए और ये ये देखिए सेटिंग्स फॉर्मेट सब कुछ यहाँ से आप जो चाहे कर सकते हैं। डन डन के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा ये डन। मैं सेटिंग अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ प्रो मोड पे, सिलेक्ट करके रखता हूँ। आप प्रो मोड में सिलेक्ट करके वीडियो से फ़ोटो भी बाद में निकाल सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग बटन है, ये वाला रेड वाला बटन जो मैं प्रेस करके दिखाऊंगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। वाइब्रेशन भी आपको हार्ट में फील होगा लेकिन कैमरा में आपको पता नहीं चलेगा वाइब्रेशन। ये देखिए टाइमर शुरू हो गया है। प्रो मोड स्टॉप करने के लिए दोबारा प्रेस करो स्टॉप, और क्लोज करने के लिए इसको दबा के रखो। ये मान यानी कि ऑफ हो गया ये प्रो मोड, ये ऑफ हो गया। चाहे तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट। ये देखिए फिर से खोलो, फिर एक बार प्रेस करो। एक मिनट के अंदर में ये हो गया ऑन। अब देखिए ये देखिए प्रो मोड में है। फिर से कैमरा ऑन करो। आप अचानक कैमरा बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर बिना टच करके डायरेक्ट इसको फोल्ड कर दो, ये बंद हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इतना जल्दी। और खोलो, ये हो गया, अभी ऑन नहीं है कैमरा। तो रिकॉर्ड मैंने किया था वीडियो, वो क्लोज होते ही बंद हो चुका है। अब इसको खोलने के लिए मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, मेरा हाथ ठीक से नहीं पकड़ पाता है दोस्तों। ये मैग्नेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हाथ से गिर ना जाए। ये देखिए ये मैग्नेट, इतना सा छोटा सा कैमरा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर में रख देता हूँ। देखिए आवाज़ सुनिए, मैं इसको नीचे की तरफ में रख देता हूँ ताकि मैग्नेट का पावर दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए देखिए अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा ये, ठीक है। ये तो लूज़ रहेगा हमेशा, ठीक है। और मैं इसको फिर से खोल लेता हूँ, ये खुल गया खुल गया। और इसके ऊपर में एक लेंस प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर में ये लेंस लगा हुआ है, ऊपर में कवर है ये लेंस, लेकिन ये इसके साथ में ही आया है, ठीक है। और इसको खोल सकते हैं, ये 30 मीटर तक पानी के अंदर में ये डाल सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, 30 मीटर तक जा सकते हैं ये डायरेक्ट कैमरा। वाटर प्रूफ है दोस्तों, ये डायरेक्ट 30 मीटर्स पानी के अंदर में आप इसको अंदर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा इसको, चाहे तो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कैमरा को, जितना इसका ब्लूटूथ का रेंज है, ठीक है, लगभग 8 मीटर टू 10 मीटर्स तक जाएगा मेरे ख्याल से। आप चाहे तो यहाँ पर एक प्रेस करके कैमरा को वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो लेना चाहे तो फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे आपने सेटिंग किया है इसके अंदर में, वो सेटिंग यहाँ पर आपको सिंगल प्रेस डबल प्रेस आपने जो सेटिंग करके रखेगा वो यहाँ पर क्विक फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो का सेटिंग किया है, यहाँ पर बटन दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं अंगूठा रखा हूँ, ये अंगूठा यहाँ पर एक बार प्रेस करोगे, यहाँ पर एक बार प्रेस करने से दोस्तों इसमें यहाँ पर बटन जो है ना, यहाँ पर एक बार प्रेस करता हूँ मैं अंगूठा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा आवाज़ वाइब्रेट मेरे हाथ में फील हो रहा है दोस्तों। एक बार प्रेस करने से थोड़ा आपको स्टार्टिंग में हल्का सा वाइब्रेट करेगा, वो आपका जो आपने सेटिंग किया है इसमें वीडियो, अगर सेटिंग किया तो वीडियो या तो फोटो स्लो मोशन जो भी आपने सेट किया है वही एक्शन करेगा, यानी कि सिंगल प्रेस डबल प्रेस ट्रिपल प्रेस, ठीक है। तो मैंने वीडियो सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट टाइम आपको प्रेस करने में वाइब्रेशन, वीडियो के लिए आपने सिलेक्ट करेगा तो हल्का सा वाइब्रेशन होगा, और फिर सेकंड प्रेस करोगे तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा, उसमें लॉन्ग थोड़ा लंबा वाइब्रेट करेगा, ओके। तो उसे पता चलता है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है और स्टॉप हो गया है, ये आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है, अभी मैं इसके अंदर में नहीं रखूँगा। आप चाहे तो वीडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट स्टार्ट और इन कर सकते हैं, चाहे तो आप रिमोटली यहाँ से भी कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। यहाँ से ऑन करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, वाइब्रेशन का आवाज़ आपको सुनने को मिला होगा कि नहीं कैमरा में। चलो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बटन ऑन करता हूँ, देखिए आवाज़ आ रहा है अभी, रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है दोस्तों। फिर मैं स्टॉप करता हूँ कैमरा को यहाँ से, देखिए स्टॉप हो गया, मैंने बटन दबाया स्टॉप हो गया। चलो मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ, ठीक बंद हो गया। इसको मैं निकाल लेता हूँ अभी यहाँ से, जो माउंट किया है आपको केस के साथ नहीं करना है, वो यहाँ पर टूट जाएगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, देखिए रोटेट मैंने किया है, ओके। ये देखो लाइट का सिग्नल, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया लाइट, ठीक है, लाइट बंद हो गया। इसमें मैंने ब्लैक टेप लगाया है यहाँ पर, जैसे कैमरा ऑन होगा तो ब्लू कलर का लाइट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली कंपनी वालों ने मिसयूज़ नहीं करने के लिए ही उन्होंने ये लाइट दिखाया है, ताकि फ्रंट में जो भी रहेगा वो पता चल सके कैमरा एक्शन में है। तो मैंने वो नोटिस
होने से ज़्यादा लोग नज़र मारता है कैमरा में, इसलिए मैंने ब्लैक टेप इसके ऊपर में लगाया है। थोड़ा यहाँ पर गंदा दिखाई दे रहा होगा थोड़ा दर्द टाइम में, तो उसको क्लीन करने से सही हो जाएगा। ठीक है, लाइट को मैंने ब्लॉक किया है ब्लैक टेप लगा के, बस इतना सा है। और इसको मैं मैग्नेटिक पेडेंट के ऊपर में मैं लगाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये चिपक गया, ऐसा ही है दोस्तों, आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो इधर में आपको नहीं होगा, ये टेक्स वाला साइड है। ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पर लगेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, गिर जाएगा कैमरा। तो गलत मत करना आप इसको यूज़ करते समय, गलती से ऐसा मत लगा लेना। तो ये बाहर के तरफ में रहेगा हमेशा, ठीक है, फ्रंट के तरफ में रहेगा, ये अंदर के तरफ में रहेगा। तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ये कभी नहीं गिरेगा। तो पहनते समय आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में आपको रखना है, ताकि आप इधर उधर गर्दन जो है ना इधर उधर जाने में ये कपड़े के साथ ऐसा ऐसा स्लिप ना हो। तो कैमरा ऊपर की तरफ रहेगा और बीच में वो क्लोथ रहेगा कपड़ा, तो ये पेडेंट जो है अंदर में रहेगा ना चेस में, तो कैमरा और पेडेंट के बीच में वो कपड़ा होने की वजह से कैमरा गिर जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ज़्यादा मोटा वाला कपड़ा के साथ आप इसको यूज़ ना करें, टी शर्ट बेस रहेगा पतला वाला, तो आपको पहनने का तरीका मालूम होना चाहिए। ओके, ये हो गया, बहुत अच्छा है ये भी रनिंग के लिए, ठीक है, चलो साइकिलिंग के लिए ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको गर्दन में फंसाना है, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं उतना आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, सॉरी, हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे। ओके, ये हो गया दोस्तों, ये अब रहा ये केप में माउंट करने के लिए दोस्तों। आप इसको केप में ऊपर की तरफ ऐसा रखना है, ऐसा रखना है, और ये भी नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कैमरा माउंट करने का भी डायरेक्शन है दोस्तों। इसको ऐसा रखना है या इस तरह से रखना है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से एंगल चेंज कर सकते हैं। आप इजी क्लिप को कैप में लगाने के बाद में कैमरा को इस तरह से माउंट करना है। आप कितना भी छलांग मारो, जम करो, कहीं नहीं जाने वाला है चैम्बर से बाहर होके कैमरा। तो आप इसको उल्टा लगाए तो मैग्नेट बाहर के तरफ में ये पुश करेगा, इस अंदर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है इसको सही जगह पे, आपको सही डायरेक्शन पे माउंट करना है और खेलते रहो दोस्तों। ये केस काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ आप रोटेट कर सकते हैं, आप 360 डिग्री भी आप कर सकते हैं। इसका टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा केस है। इसमें मैग्नेट भी इनबिल है और एयर पासिंग होल भी है, ताकि कैमरा गर्म ज़्यादा ना हो, इसके केस के पीछे तरफ में होल दिया गया है। आप इसको बाइक के डिस्प्ले में लगा सकते हैं और कार का डैश कैम भी बना सकते हैं, चाहे अंदर के व्यू लो या बाहर का। इस तरह से बाहर निकालो, हल्का सा प्लेन वाटर इसमें आप कर दीजिए और फिर इंसर्ट कर दीजिए। यूज़ करने के बाद नॉर्मल वाटर से ही आपको यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से रख दीजिए, काफ़ी कम स्पेस में आपको इसको रख पाएंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके आप रख दीजिए, बस हो गया। इसके पीछे थ्रेड है माउंट करने के लिए ट्राईपोड पे, आप इस तरह से रख दीजिए और नीचे के साइड में पकड़ के इसको रोटेट करना है। कैमरा के ऊपर की तरफ नहीं पकड़ना है, वरना कैमरा क्रैक हो सकता है इसका फोल्डिंग मैकेनिज्म। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। देखिए, इसको प्रेस करके इस तरह से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं डिसमाउंट करता हूँ, करने के बाद में फोल्ड कर देता हूँ। देखिए, सेल्फ ट्राईपोड भी है इसके पीछे, केस के साथ में है। इसको मैं क्लोज करके दिखाऊंगा, और इसका ट्राईपोड लगाने के लिए ये थ्रेड आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। चार्जिंग पोर्ट भी है टाइप सी के लिए, इंस्टा 360 गो टू का यहाँ पर ब्रांड लोगो है, और इसको साइड में मैं वाटरप्रूफ का भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। केस वाटरप्रूफ नहीं है, ओनली कैमरा वाटरप्रूफ है। इसको मैं देखिए, बैक लाइट भी यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हैं, और इसको मैं खोल देता हूँ ट्राईपोड। इस तरह से छोटा सा ट्राईपोड है, आप टेबल में कहीं नीचे में जो लेवल बराबर हो उस पर रख के सेल्फ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये ठीक है। तो ये इतना सा छोटा सा कैमरा है दोस्तों। अब मैं चार्जिंग टाइप सी कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से लगाना है। मैं USB इसमें पावर बैंक में इंसर्ट करता हूँ। रेड लाइट जल गया, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। ये जब चार्जिंग कंडीशन में होगा रेड चलेगा, जब फुल होगा तो ग्रीन आएगा, जब आप कैमरा एक्सेस करेंगे तो ब्लू कलर इसमें लाइट बदल जाएगा। तो मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, फिर से मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी बैटरी फुल जैसा ही है, वो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। कैमरा ओके कंडीशन में है, एक साल थोड़ा ज़्यादा हो गया है दोस्तों। ये है, अब देखिए लाइट जल गया, अभी कैमरा लेंस के वजह से क्लियर नहीं देख पा रहे। ये देखिए ब्लू कलर है अभी, तो अभी रेडी है कैमरा। अब देखिए फुल हो गया, ग्रीन लाइट आ चुका है। अब मैं कैमरा का डिस्प्ले में दिखाने वाला हूँ, बैटरी वोल्टेज ठीक है, कितना स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें से जो राइट साइड का बटन प्रेस करके आप देख सकेंगे, स्पेस भी ऊपर में देख सकेंगे, या तो ऐप्स के द्वारा भी आप देख सकते हैं। इसका ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर में, आप देख सकते हैं ऊपर में। ये देखिए
100% दिखा रहा है और स्पेस भी दिखा रहा है लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ कॉर्नर में, राइट साइड में बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।